दोस्तों, भले ही असल जिंदगी में आप लोगों ने इच्छाधारी नागिन न देखा हो, पर जैसे टीवी में बताया जाता है, कहानियों में सुनाया जाता है, इच्छाधारी नागिन जो होते हैं अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक रंग बदलती रहती है। ये तो हो गई सुनी सुनाई बातें, पर आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ असल जिंदगी के कुछ इच्छाधारी नागिन जो समय समय पर अपना रंग बदलती रहती है। तो कैसे हैं आप लोग? तो हे गाइस, इट्स मी संदिलेश। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो आज के हमारे लिस्ट की पहले नंबर पर है मोनी रॉय, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार लगातार और न जाने कितनी बार अपना रंग बदला है। नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। भले ही तुम एक बार को इस वीडियो में नाच रहे एक्ट्रेस को पहचानने से इनकार कर दो, पर कसम मोनी रॉय की इंजेक्शन से फुलाई हुई बॉडी पार्ट्स की, इस वीडियो में नाच रही महिला कोई और नहीं बल्कि मोनी रॉय ही है। वो कहते हैं ना, अगर तुम्हें किसी पिक्चर में जान लानी हो तो उसकी कैरेक्टर में घुस जाओ, और इस बात को बॉलीवुड में अगर किसी ने सीरियसली लिया है वो है मोनी रॉय। कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया। आप लोगों को तो पता ही होगा मोनी रॉय ने नागिन सीरियल में नागिन का रोल प्ले करा था, और उस कैरेक्टर में इतना घुस गए कि टाइम टू टाइम अपने मन मुताबिक रंग बदलती रहती है। इंजेक्शन से ओठ फुला लिया, स्किन पर लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवा लिया, नाक की सर्जरी करवा ली, दांत का ट्रीटमेंट करवा लिया। ये तो हो गया सिर्फ बॉडी के ऊपर के पार्ट्स, गले के नीचे भी बहुत कुछ करवाया जिसका नाम मैं ले नहीं सकता। अगर क्यों, पर एक बात तो मानना पड़ेगा, जहाँ पर ये स्टार किड्स खुद को इंडस्ट्री में एक साल भी स्टेबल नहीं रख पाते, वहीं पर एक इच्छाधारी नागिन पूरे के पूरे 20 साल से पांव जमा के बैठी है। तो स्टार किड्स की बात चल ही रहा है तो अब बात कर लेते हैं जानवी कपूर की। वो कहते हैं ना, जेनेटिक्स गुण आपको 7 पुश्तों तक पीछा नहीं छोड़ते, ठीक वैसे ही भले ही इसके अंदर माँ जैसी एक्टिंग स्किल ना हो, पर इसके अंदर सर्जरी करवाने वाली स्किल जरूर है। आए दैया, मार डाला। एक टाइम पे बॉलीवुड में खुद को स्टेबल रखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए श्रीदेवी ने भी बहुत सारे सर्जरियां करवाई थी, तो बेटी कैसे पीछे हटते, इन्होंने भी 10 से ज्यादा सर्जरियां करवा रखी है। जानवी कपूर ने अपनी लिप, नोज और जॉ लाइन चेंज कराई है, साथ ही उन्होंने अपने ब्रेस्ट और बट इम्प्लांट कराए हैं। सर्जरियां करवा के सुंदर तो दिख जाओगी, पर एक्टिंग स्किल कहाँ से लाओगी, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। ब्यूटीफुल। पैसा और स्टारडम भले ही बाप से मिल गई हो, पर दिमाग कौन देगा। पैसे से तो इन्होंने आगे पीछे ऊपर नीचे सारे के सारे बड़ा बड़ा करवा लिया, पर दिमाग छोटा के छोटा ही रह गया। वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पहले मैंने बजाया? आउल। आपको कुछ बोलना है जानवी? जिराफ। जिराफ। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन। जिराफ। एक स्किल तो इसके अंदर भी है, भले ही इसे एक्टिंग ना आती हो, पर इंस्टा पर फोटो पोस्ट करना जरूर आता है। हो सकता है और लोगों के लिए इंस्टा चेंजिंग रूम हो, पर इसके लिए डाइनिंग रूम है, हर फोटो में खाती रहती है। और जब दीदी इतना सब कुछ कर रही है तो बहन कैसे पीछे हटती है, और माँ का गुण तो है ही। तो इन्होंने भी बहुत सारी सर्जरियां करवाई है, जिनमें से मैं कुछ आपको गिना देता हूँ, जैसे कि हो गया नाक, दांत, जॉ लाइन, ब्रेस्ट और न जाने क्या क्या। ये लोग अपने पारिवारिक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बहुत संभाल के आगे बढ़ा रही है, बस कुछ आगे नहीं बढ़ा पाए वो है अपना एक्टिंग करियर। और जब इतने सारे स्टार किड्स की नाम ले ही लिया है तो सारा अली खान का भी ले लेते हैं। हरामी हो बेटा। तो इन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं करवाई है, बस अपने लूज स्किन को टाइट करवाई है उम्र के दिखने के लिए, और एक और चीज को लिफ्ट करवाया है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। मगर क्यों? सर्जरी के नाम पे भले ही इन्होंने ज्यादा कुछ न करवाया, पर ओवर एक्टिंग करके लोगों का दिमाग जरूर पकाती है। आज सारा का सारा टैलेंट दिखाएंगे हमें, टॉप की हीरोइन वाली एक्टिंग करके दिखाओ। इनका ओवर एक्टिंग उतना ही डरावना है जितना एचआईवी का रिजल्ट पॉजिटिव दिखना और बच्चे होने पे हिजड़ा दिखना। तो अब थोड़ा स्टार किड्स से हट के बात कर लेते हैं हमारी भाभी, तुम्हारी भाभी, सबकी भाभी अनुष्का शर्मा की। तो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो इन्होंने भी दूसरे इच्छाधारी नागिन जैसे ज्यादा कुछ नहीं करवाया है, बस अपने ओठ का सर्जरी करवाई थी, और इतना डरावना दिख रही थी कि महीनों तक आईना नहीं देखी गई इनसे।
एक वायरल वीडियो तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, वो बोल रहे होते ना कोली चौका मार कोली, ए कोली कोली चौका मारना चौका, क्या कर रहा है? भला हो कि समय रहते ठीक करवा लिया। कोली भाई चौका मारते या नहीं मारते इसका तो पता नहीं, पर छक्का मार के बाउंड्री से बाहर जरूर फेंक आता इन्हें। कोली चौका मार। कोहली भाई का एग्रेशन से तो सबकी फटती है, तो भाभी पे ज्यादा जोक नहीं मारेंगे। आज के हमारे लिस्ट का अगला कंटेस्टेंट है हमारी और तुम्हारी सबकी दिल की राजकुमारी श्रुति कुमारी की, ओ सॉरी श्रुति कुमारी नहीं श्रुति हसन की। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पहले श्रुति हसन कुछ ऐसे दिखती थी जिसे मर्दाना चेहरा बोल के लोग चिढ़ाते थे, मगर क्यों? फिर क्या था, इंस्टा पर जैसे चुटकियां बजाते ही लोग कपड़े बदल लेते हैं, ठीक वैसे ही इन्होंने चुटकियां बजाकर अपना हुलिया ही बदल लिया। पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है तुम लोगों को पता है? श्रुति हसन दूसरे स्टार किड्स की तरह एक्टिंग की माँ बहन एक नहीं करती है। I had a hormonal imbalance. I had all of those things and it was difficult and I have never lied about having plastic surgery. और तो और इन्होंने सर्जरी वाली बात की खुल के एक्सेप्ट भी करा, जो कि दूसरे एक्टर्स मुकरते रहते हैं इस बात से, जैसे कि हमारी इच्छा हरिनाग राजकुमार राव को ले लो। एनीथिंग आई जस्ट वांट टू गो बैंग माय हेड अगेंस्ट दिस वॉल बिकॉज़ आई एम डन आंसरिंग यू गाइस फील आई हैव डन समथिंग। और आज बात नागिनों पर चल रही है, तो नाग पे ज्यादा जोक्स नहीं मारेंगे, सिर्फ और सिर्फ नागिन्स पे मारेंगे। तो आज के हमारे लिस्ट के अगला इच्छाधारी नागिन है सारा। नहीं नहीं, वो शुभम वाली सारा नहीं, ना तो सेब वाली सारा, वो सब तो अच्छी दिखती है, डरावना तो ये सारा खाती है। और दिक्कत इस बात की नहीं कि ये डरावना दिखती है, दिक्कत तो इस बात की है कि इतना डरावना चेहरा इसे पसंद आता है। पर्सनली व्हेन आई लुक एट मायसेल्फ आई लव इट आई लाइक इट। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर। मैंने कराया था लिप फिलर जो मुझ पे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इट आई लुक्ड लिटरली हॉरिबल। आई लव इट हॉरिबल आई लव इट हॉरिबल आई लगता ये पागल हो गया। तू बहुत चेंज हो गई। तो बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर। आज का हमारा अगला कंटेस्टेंट है चुम्मेश्वरी। नहीं नहीं, वो ठगेश वाला चुम्मेश्वरी साउथ नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ चुम्मेश्वरी एक्ट्रेस जिसे हर कोई पटक के चूमने लगते हैं। ओहिया में कसी के सैया मारे लोग कुछ बदल गया मेरा, कुछ बदल गया मेरा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 60 की उम्र में 30 की दिखने वाली चुम्मेश्वरी फिटनेस उर्फ फिटनेस क्वीन शिल्पा सेठी उर्फ मास्क मैन की अर्धांगनी। तो चुम्मेश्वरी फिटनेस फेमस हुई थी अपनी सर्जरी के बाद और इसके पति फेमस हुई मास्क लगाने के बाद। दौड़ा दौड़ा कर थकाने के पानी मारने वाला लंगड़ा किंग। अगर तुम्हें फिट होना है तो शिल्पा के पास जाओ, और फिटनेस की माँ बहन एक करनी हो तो इसके पति के पास जाओ। अब तुम लोग ही बताओ इसमें 90-20 का फर्क है या 420 का फर्क है? 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, सिस्टम पार देंगे। तो बढ़ते हैं अगली कंटेस्टेंट की ओर। आज का हमारा अगला कंटेस्टेंट है नेपो किड नैसा देवगन। कौन कहता है सिर्फ नेपो बॉय ही नशा करते हैं, नेपो गर्ल तो उससे भी कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं, वो देश छोड़ के विदेश में जाके नशा करती है, और हद तो तब हो जाती है जब ये नशा भी करती है और पकड़ी भी जाती है। नशे की वजह से नीसा पर उठे सवाल, गुस्से में काजोल ने किया था स्कूल में हंगामा। आजकल के नेपो किड का अलग ही फंडा है यार, फिल्म में तो ये बाद में लॉन्च होते हैं, पुलिस स्टेशन में पहले हाजिरी लगाते हैं, फिल्म में तो ये बाद में लॉन्च होते हैं, सर्जन के पास पहले हाजिरी लगाते हैं। हम फर्स्ट वो कहते हैं ना भगवान ने इन्हें कितना सुंदर बनाया है, इन जैसों को तो ये भी नहीं बोल सकते, इन जैसों को तो सर्जन ने कितना अच्छा बनाया है बोलना पड़ेगा। दूसरे के बच्चे को बिगाड़ के कमाया हुआ पैसा खुद के बच्चे के सुधार गिरी के फी में तो जाना ही है। बोलो सुबह तीसरी। और जब सारे के सारे स्टार की सुंदर दिखने के लिए इतना सारे सर्जरियां करवा रही थी तो नैसा देवगन कैसे पीछे हटते, इन्होंने भी अपने माँ का परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन को संभाल के आगे बढ़ाया है। काली काली आंखें, इस गाने का नाम है काली काली आंखें जो मेरी नहीं है। और जब सर्जरी पे इतने सारे खर्च कर ही रही हो तो अपने गर्दन का भी सर्जरी करवा लेती है, मगर क्यों? तुम खुद देखो ना दोस्तों, हर फोटो में टेढ़ा ही दिखेगा तुमको। पल पल में ना खारा दिखावे गोरिया, हमारा के या बनावे गोरिया। अगर गर्दन का भी सर्जरी करवा ही लेती तो क्या जाता तुम्हारा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पापा को 2-4 बीमल ज्यादा बेचने पड़ते। बीमल बोलो सुबह तीसरी।
तो आज की मजदूरी यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो में बोली गई सारी बातें इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, तो मजाक में ही लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, और हाँ यहाँ तक आ ही गए हो तो एक लाइक भी तो बनता ही है। और हाँ एक बात और, अगर इंस्टा पे मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।